तो हम आगे चल रहे हैं पाठ दो केमिस्ट्री में। राहु के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श घोल का उदाहरण। पहला उदाहरण में इथाइल अल्कोहल एवं जल का मिश्रण है, दूसरा में इथाइल अल्कोहल एवं बेंजीन का मिश्रण है, और तीसरा में कह रहा है एसीटोन एवं कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण। यहां से आप लोग को आगे की ओर हम देख रहे हैं राउत के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श घोल का ग्राफीय निरूपण। तो निरूपण ग्राफीय निरूपण यहाँ पर दर्शा गया, ऋणात्मक आप लोग को आगे की ओर बताया गया था और ये धनात्मक है। धनात्मक में आपको देखना है कि उल्टा है, यानी कि इस तरह से हो गया है, इस तरह से, और ऋणात्मक में इस तरह था। और हमारा यही यानी कि घोल के कुल वास्तव जो है गुलक गोलक के योगफल के बराबर, ये वास्तव जो है पी नॉट बी शुद्ध गोलक के लिए, शुद्ध घोल के लिए ये हमारा जो है एक से यानी कि घुल के लिए मोल अंश जीरो और गोलक के लिए मोल अंश वन है, और यहाँ पर घुल के लिए मोल अंश वन है तो गोलक के लिए मोल अंश क्या है जीरो है, जो आप लोगों को फिगर में दर्शाया गया था। एक बार और बता दें कि फिगर अब जो है परीक्षा में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन एजियोट्रोपिक मिश्रण। एजियोट्रोपिक मिश्रण का हिंदी होता है स्थिर पार्थिव मिश्रण। इसको हम क्या करेंगे, कैसे परिभाषित कर रहे हैं है कि वह द्विघटकीय विलयन जिसका क्वथनांक नियत होता है एवं उनका संगठन द्रव एवं वाष्प अवस्था में समान होता है उसे एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। कह रहा है फिर आगे की ओर एजियोट्रोपिक मिश्रण के प्रकार। एजियोट्रोपिक मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण, दूसरा अधिकतम क्वथनांक वाले मिश्रण। तो पहला हम लोग चल रहे हैं कि न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण किसे कहते हैं, तो यहाँ से इसका आंसर है वह द्रव मिश्रण जिसका क्वथनांक अपने अवयव या घटकों के क्वथनांक से कम होता है उसे न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा इसका है वे द्रव मिश्रण वाले विलयन जो राउल्ट के नियम के अनुसार धनात्मक विचलन अवस्था प्रदर्शित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले मिश्रण कहते हैं। जैसे में इथाइल अल्कोहल एवं जल का मिश्रण, H2O एवं HCl का मिश्रण। अब इसका एक फिगर है, कैसे फिगर है थोड़ा सा ध्यान दो, कह रहा है कि कैसे कम हो सकता है कैसे अधिक। यहाँ पे एथेनॉल है, एथेनॉल जो हमारा यहाँ पर द्रव के रूप में हमारा 351 केल्विन है और यहाँ पर 351.5 केल्विन है। यहाँ पर जल है जो सबसे अधिक है 373 केल्विन, इसका अधिक है और इसका कम है, लेकिन ये इथेनॉल और जल को स्रावित करेंगे दूसरे में मिला करके हम क्या करेंगे स्रावित करेंगे तो हमारा एथेनॉल का मिश्रण का जो प्रतिशत है 95 होता है और जल का कितना होता है 5, अर्थात जल कम होता है और एथेनॉल अधिक होता है। तो आगे की ओर हम चल रहे हैं।